मुंबई क्राइम ब्रांचने काही आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींची चौकशी केल्यानंतर एक खळबळजनक खुलासा समोर आलाय. अटक केलेल्या आरोपीने एक टोळी तयार केली होती. या टोळीच्या मदतीने हा आरोपी लहान मुलांची चोरी करायचा. या टोळीमध्ये एका महिलेचा देखील समावेश होता. तुम्ही ऐकून नक्कीच हैराण व्हाल. या आरोपीने जेव्हा चोरी केलेल्या मुलांचा ठावठिकाणा सांगितला त्यामध्ये एका अशा व्यक्तीचं नाव समोर आलं जो पेशाने वकील आहे. हरवलेल्या मुलांपैकी त्याच्या घरातून 5 आणि 6 वर्षीय मुलं सापडली आहेत. अटक केलेल्या आरोपींची नावे किशोर ठाकूर, सलमान खान, संजय भोईर, रुबी भोईर अशी असून यातील संजय भोईर हा आरोपी पेशाने वकील आहे. सर्व आरोपी उरण येथील राहणारे आहेत. चोरी केलेली सर्व मुलं जास्तीत जास्त करून झोपडीमध्ये राहणारे आहेत. आम्ही दाखवत असलेल्या झोपडीमधूनच या मुलांची चोरी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील आरोपी संदर्भात नेरूळ पोलीस ठाण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांशी बातचीत करण्यात आली. धारावे स्टेशन पटरी के बाजू में अच्छी झोपड़पट्टी है, वहां से जो लड़की चुराई गई थी उसमें जो है मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके जरिए से हमने तक 4 गिरोह का अरेस्ट किया है. उनमें से एक है किशोर ठाकुर है, सलमान है, मिस्टर भोईर है और जो है संजय भोईर की मिसेस जो है रूबी, उनको इस केस में अरेस्ट किया गया है. उनमें से जो है हमने जो चुराई हुई लड़की है उसको बरामद किया गया है. इसके अलावा वाशी पुलिस स्टेशन में भी उस रेलवे स्टेशन से भी लड़की को उठाया गया था, उस लड़की को हमने बरामद की है. फिलहाल अभी तक जो है हमारे पास 2 लड़की रिकॉर्ड हो गए हैं और 4 आरोपी जो है अरेस्ट हो चुके हैं. या संदर्भात एनजीओचे संचालक यांच्याशी जेव्हा बातचीत करण्यात आली त्यावेळेस ते म्हणाले की हरवलेल्या मुलांसाठी डीएनए डेटा तयार करणं अत्यंत गरजेचे आहे. लगभग हम लोगों ने जो पिछले शोध किया है उसके हिसाब से 600 से 700 बच्चे अभी की डेट में 1000 बच्चे से ऊपर गुम होते हैं पर डे. और इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह, बच्चे चोरों का बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है पूरे देश में, बहुत संगठित तौर पे काम कर रहा है. और इन बच्चों का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, 60% बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है भीख मांगने वाली इंडस्ट्रीज में, बेगरी में. दूसरे बच्चों का प्रोस्टिट्यूशन में यूज हो रहा है. तीसरा इनका हो रहा है घरेलू कामों में बच्चों का यूज. जी, अभी जो बच्चे नहीं मिलते अगर इत्तेफाक से अगर कई साल के बाद मिल भी जाते हैं तो आपको लगता है कि बच्चे के माँ बाप अपने बच्चों को पहचान पाएंगे? क्योंकि जनरली बहुत सारे जो बच्चे चोरी हो रहे हैं उसमें गरीबों लोगों के बच्चे ज्यादा, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके बच्चे ज्यादा चोरी होते हैं क्योंकि उनके पास इतना सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को ढूंढ पाए. तो ऐसे गिरोह जो टारगेट करते हैं गरीब लोगों के बस्ती को ज्यादा टारगेट करते हैं. तो वो जगह बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं 1-2 साल के अंदर उनको रोजी रोजगार के क्रम में. तो बच्चे माँ बाप से मिलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है बच्चों से. क्या लगता है आपने अगर शोध किया तो क्या होना चाहिए? देखिए हम लोगों ने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको लिखा है और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में भी जाने को तैयार कर रहे हैं कि जब तक डीएनए बेस डेटा बैंक नहीं बनाया जाएगा तब तक बच्चों को ढूंढना भी मुश्किल होगा और माँ बाप से मिलाना भी मुश्किल होगा. तुम्ही पाहत असलेले हे 23 आरोपी आहेत ज्यांनी या मुलांची चोरी केली होती. सध्या पोलीस या प्रकरणाची सर्व बाजूने कसून चौकशी करीत आहेत. मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नेरूल में मौजूद हूं और मेरे जो करीब आप देख सकते हैं जो झुग्गी झोपड़ी है जहां पर हमारी तरह के लोग इंसान रहते हैं लेकिन उनकी अवस्था इतनी दयनीय है कि आपको लगेगा कि पता नहीं ये सभी नागरिक कहां से आ गए हैं. बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को यह बसर कर रहा है और इसी बस्ती की अगर बात की जाए तो ये इतने गरीब हैं कि अगर इन्हें कोई दिक्कत भी होती है तो इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है. आपको जानकर हैरत होगी कि यहां पर लगभग 30 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी है जिसमें कई लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं और यहीं पर बच्चा चुराने वाले गिरोह ने एक कांड किया था जिसमें से 6 से ज्यादा बच्चे यहाँ से चोरी हो गए थे. हालांकि एनजीओ की पुलिस एनजीओ जब पुलिस से जाकर मिली और इस बात की शिकायत की कि कई बच्चे यहीं से क्यों गायब हो जा रहे हैं तब पुलिस की टीम टूटी और उसके बाद आज पुलिस ने एक बच्चे को बरामद कर लिया है. पुलिस का कहना यह है कि इनके साथ और भी गिरोह में लोग जुड़े हुए हैं और इनसे कई बच्चे और बरामद हो सकते हैं. कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साहब, कनाला टीवी, नवी मुंबई.